हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट राउटर के बारे में। तो लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट ट्यूटोरियल है रिएक्ट राउटर के ऊपर। तो किस तरीके से लिंकिंग वगैरह यूज होती है रिएक्ट राउटर के अंदर, वो इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्ट का बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट राउटर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद बेसिकली रिएक्ट राउटर होता क्या है, मतलब कि जैसे कि हमने साइट्स के अंदर लिंक्स देखे होंगे, नेविगेट करना होता है एक पेज से दूसरे पेज के लिए, तो हम यूज़ करते हैं रिएक्ट राउटर को। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद हमें जाना है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ, मेरे को लगता है कि दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरा ऑन है, नेस्ट वाला, उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस पर करता हूँ CD। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया रिएक्ट राउटर को। ठीक है, उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने हैं इनसाइड द पेजेस फोल्डर, तो हमें हमें जाना पड़ेगा, कोड को ओपन करना पड़ेगा। इसको बंद कर देता हूँ, तो कोड में चले जाते हैं। ठीक है, हमें बनाना है सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर जिसका नाम है पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर हमें फर्स्ट पेज बनाना है इसके अंदर home.js का, तो बना लेते हैं home.js का पेज। पेजेस के अंदर बनाते हैं सबसे पहले एक नया home.js, इसमें ये कोड लिख देते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया इसके अंदर home.js का पेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट का, तो ये है about.js का पेज। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ पेज के अंदर एक नया पेज जिसका नाम है about.js, साथ ही दूसरा पेज ही बना देता हूँ contact.js का। ये तीन पेजेस बनाने हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, पेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैंने बना दिया contact.js। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अबाउट में, तो अबाउट को कॉपी करेंगे और अबाउट वाले पेज में अबाउट का कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट हमारा क्या है, contact.js वाली फाइल में कॉन्टैक्ट का पेज लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है, सिंपल एक डिव, इसको एक HTML को ही रिटर्न किया है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद मेन सारी सारी की फाइल्स को क्या करना है, हमें लिंक करना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वाला पार्ट जो हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्ट राउटर में, तो हम इसे करेंगे ऐप में ऐड करेंगे, तो मेन फाइल जो है जिसमें नेविगेशन वगैरह होंगी सारी की सारी। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ शिफ्ट एंटर से कॉपी। ठीक है, ये हो गया पूरा कोड, मैंने कर लिया कॉपी और इसको ऐड कर देता हूँ app.js में। ठीक है, ये होगी ऐड। अब देखना इसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स आएंगे और हम इसको सॉल्व भी करेंगे, जो बेसिक आजकल के ट्यूटोरियल में दिखता है कि एरर्स, ये हो गया मतलब ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, इसमें आ गया एरर टाइप इनवैलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स क्लास फंक्शन बट गॉट द अनडिफाइंड मिक्स्ड अप विद लाइक इम्पोर्ट्स चेक द रेंडर मेथड ऐप। ठीक है, तो इसमें स्विच इज़ नॉट एक्सपोर्टेड एज अ राउटर, में स्विच का एरर आ गया, तो स्विच इसमें मतलब कि पुराने में यूज़ नहीं, नए वाले में स्विच यूज़ नहीं होता, वो पुराने में यूज़ होता है। ठीक है, तो जब भी आप स्विच देख लो कि हाँ भाई किसी ने स्विच यूज़ कर रखा, तो वो पुराना है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे राउट्स के साथ। ठीक है, तो अब जाते हैं अपने कोड पे, तो हमने स्विच को किससे रिप्लेस करना है, राउट्स के साथ। ठीक है, और जहाँ पे हमारा स्विच स्टेटमेंट है, जो कि स्विच का लिंक लगा रखा है, उसमें हमें करेंगे राउट्स। ठीक है, अब ये कॉम्पोनेंट का भी एरर आएगा, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, होम पे चले गए, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में, अभी रेंडर नहीं हो रहा ना। ठीक है, अब एलिमेंट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कॉम्पोनेंट के बदले आएगा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम एलिमेंट, चेक करते हैं कॉन्टैक्ट, अबाउट और होम, अभी भी रेंडर नहीं हुए हैं, तो अब यहाँ पे करने पड़ेंगे हमें ऐड ऐसे। ठीक है, करते हैं कॉन्टैक्ट, अब चेक करते हैं, आ गया ना सारे पेजेस, कॉन्टैक्ट भी आ गया, अबाउट भी आ गया, होम भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो नया रिएक्ट राउटर का जो पैकेज है वो इस तरीके से काम करता है। अगर ये तो मेरा पुराना कोड था, ठीक है,
पुराने को किस तरीके से मैंने नए में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं बिटवीन द पेजेस। ठीक है, हाउ टू नेविगेट बिटवीन द पेजेस, यू कैन यूज़ दिस वन। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है, मैंने क्या क्या यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने रिएक्ट से इम्पोर्ट किया है, रिएक्ट ब्राउजर राउटर एज अ राउटर, ठीक है, मेन। और इसमें हमने लिंक, अगर जैसे कि हमें लिंक्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये लिंक के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल लिंक टू होम अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद जब उस पेज पे कौन सा पेज ओपन करना है वो रैप अप होता है पूरा का पूरा राउट्स के अंदर। ठीक है, और ये राउट के अंदर हम देते हैं, अगर पाथ अगर अबाउट है तो ये वाला कॉम्पोनेंट रेंडर हो जाए, अगर कॉन्टैक्ट है तो ये वाला कॉम्पोनेंट रेंडर हो जाए, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, रेंडरिंग होती है इसके अंदर राउट्स के हेल्प में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर राउट्स के साथ ही इसको रैप करना और मेन को हमने राउटर के अंदर रैप करना है, राइट, डन। अब नाउ हम नेविगेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पेज पे वेलकम आएगा, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट आएगा, अबाउट आएगा और ये होम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्ट राउटर डोम का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, और इसका एक टाइटल भी हो सकता है, हाउ टू नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट पेजेस। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।